यार ऐसे भी कोई हारता है यार, बहुत बुरा खेले हो यार आप लोग। वो जीता हुआ मैच कोई मसला ही नहीं था, सारा मैच आपकी हाथ में था। उसके बाद आप लोगों ने कहा नहीं जी हमने तो जीतना ही नहीं है, बना के मैच इंडिया की झोली में डाला है। बहुत अफसोस हुआ है यार। वो भाई जान जब आउट हो जाए ना चार, तो बैट्समैन को ना प्रेशराइज किया जाता है। आपने फील्डिंग खोल दी, स्पिनर की बारी, स्पिनर की बारी में आपको चांस लेना चाहिए था। उन्होंने शुरू में स्पिनर को नहीं मारा, तीन शुरू के दो दो ओवर में स्पिनर को नहीं मारा, उन्होंने आखिरी एक ओवर में उसको मारा नवाज को। उसके बाद आप लोगों ने नवाज को साइड कर दिया एंड में डालने के लिए। मुझे यह समझ नहीं आ रही किस तरह की कप्तानी हुई है। आखिरी ओवर स्पिनर का जब रहेगा तो आप किस तरह मैच जीत सकते हो यार, कोई लॉजिक है? उसको आपको यूटिलाइज करना चाहिए बीच के ओवरों में। इतना लंबा मैच तो जाना ही नहीं चाहिए था, मगर हमारे जो कैप्टन बाबर साहब ने जानबूझ के मैच को कहा लंबा लेके जाएंगे एंड में जीत जाएंगे। यही एशिया कप में भी पहले मैच में इंडिया के साथ जो किया था वही आप लोगों ने दोबारा रिपीट किया है। कोई कैप्टनसी की समझ नहीं आई है। कभी आप लोगों ने क्या नाम है दायरा बड़ा है, फील्डर को थोड़ा आगे रखो, सिंगल डबल रोकने थे हमने, ठीक है ना, बाउंड्री खोलनी थी, बाउंड्री पे उनको चांस लेना था। शुरू में उन्होंने चांस नहीं लिए और आप उनको क्या नाम है सिंगल दुखी दे रहे थे। वो उनको सिंगल दुखी चाहिए थी, उनको तो प्लान था कि एंड में हम मारेंगे जिस तरह पाकिस्तान ने एंड में मारा। आप लोगों को उसी वक्त इनकी विकेट लेनी चाहिए थी, फील्डर को आगे करके स्लिप पे लगा के, मगर उनको ताकि चांस दे के बंदा हिट करे। बिल्कुल कैप्टनसी पुअर थी बाबर की, बहुत अफसोस हुआ है बाबर की आज कैप्टनसी देख के। बाकी वेल प्लेड इंडिया, बहुत कमाल का खेला है। सिचुएशन के हिसाब से आज जो कोहली ने बैटिंग की है मज़ा आ गया, कहते हैं हम पंजाबी में चस आ गई कोहली की। और पांड्या इसे कहते हैं हिटर, पांड्या जो मैं कमेंटेटर जो बोल रहे थे पांड्या को आज स्ट्रगल कर रहा है, वो स्ट्रगल नहीं कर रहा था, वो विकेट के हिसाब से और बाउंड्री के हिसाब से बिल्कुल परफेक्ट खेल रहा था, क्योंकि उसको पता था बाउंड्री मारना मुश्किल है। उसने सिर्फ स्ट्रेट की बाउंड्री की टारगेट किया और मैच बनाया। और कोहली ने क्या बैटिंग की है, और हमारे शहीन शाह अफरीदी साहब ने लेग पे छक्के खाए। ठीक है पहला उसको बाउंड्री लगी थी शॉर्ट पिच, मैं मानता हूँ, बाकी जो उसने मिड ऑफ पे जो खाई है और जो लेग पे खाई है बाउंड्री वो पड़ने वाली नहीं थी। और हारिस रऊफ को भाई डेप्थ ओवर में आप डेप्थ ओवर के बॉलर हो, आपको यार्कर मारने चाहिए, आप उसको शॉर्ट पिच लेग पे दे रहे हो, तो लेग पे तो कोहली तो नहीं छोड़ता, कोहली को आप लेग पे दोगे वो भी सेट हुआ हुआ वो तो नहीं छोड़ेगा। और बाकी नवाज साहब फील्डर पीछे किया हुआ है कीपर को, ओ भाई आप स्पिनर हो आपको अपने स्ट्रेटजी से खेलना पड़ेगा, आपको बैट्समैन की मर्ज़ी से नहीं आपको अपनी मर्ज़ी से खेलना चाहिए। आप फुल टॉस पे आप जब अपनी जो आपकी प्लस पॉइंट है जो अपनी स्ट्रेंथ है आप जब उससे आगे जाओगे तो आपसे मिस्टेक्स होंगी, ये तो नेचुरली है। आपने कीपर पीछे किया, आप किसन ने कहा मैं तेज़ करूँगा, तेज़ तो फिर मीडियम पेसर कोई भी करा लेगा, आपका और बाकी कोई फ़र्क तो नहीं रहेगा ना। तो ये छोटी मोटी चीज़ें हैं, मैं नहीं समझता कि यार कि मुझ जैसा जहल भी अगर ये चीज़ें समझता है तो इन लोगों को नहीं आए। सिर्फ आज का मैच बुजदली की वजह से पाकिस्तान आ रहा है, पाकिस्तान बुजदलों की तरह पीछे बैकफुट पे रहा, उनको बैकफुट पे करो यार, चार आउट कर दिए आपने उनके, वो पूरे मैच में वो ऐसा लग रहा था कि वो आप पे डोमिनेट कर रहे हैं, ये कोई अच्छी प्लानिंग नहीं है। तो मैं उम्मीद करता हूँ थोड़ी सी थिंक ऑफ द बॉक्स आप लोग सोचें, ये लंबी गेम ना करें, बाबर की आदत है कि गेम को लंबा करना, भाई फील्डिंग में ऐसा नहीं होता। फील्डिंग में जब आपने दबा लिया ना तो आप लोगों ने उसको कंटेन करना है, आउट करना है, ना कि बॉलें डॉट की। आखिर में उन्होंने 16 स्कोर भी बना लिया है, आखिर में बॉलरों से बॉल लेंथ भी नहीं पड़ती अपनी। तो मेहरबानी करो यार, कुछ सीखो दूसरी टीमों से। अस्सलाम वालेकुम।